देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि हमारे अपने ही देश में हमारी अपनी सरकार से लोकशाही को खतरा हुआ है। हमारे देश के लिए इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती है। ये लोकशाही को बचाने की लड़ाई है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। बड़े दुख की बात है, इतने सख्त इतने काले कानून लाते हुए बड़ी डटाई के साथ ये कहा जाता है कि हम एक इंच भी पीछा नहीं हटेंगे। वो जुल्म में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो हम इंसाफ मांगने के लिए पीछे क्यों हटें? इसलिए हम भी जब तक इंसाफ नहीं होता, ये कानून काले कानून वापस नहीं लेते, इंशाल्लाह ये लड़ाई लोकशाही तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए जारी रखेंगे। और ये आरोप लगा रहे हैं दिल्ली की शाहीनबाग की महिलाओं पे, अहमदाबाद के जो महिलाएं धरना पर निकले 500 रुपये लेके जो आती है, उन आरोप को लेके आप क्या कहोगे? मेरे से बेहतर जवाब तो हमारी एक बहनी ने दिया था कि तुम 500 रुपये की बात कर दो, 5,000 देकर हटाने की कोशिश करो। ये 500 रुपये के लालची नहीं है हम लोग, ये हमारी बहनें ये अपनी ज़रूरियात आगे पीछे करके, अपने सारे तकाजे आगे पीछे करके रात दिन न धूप देख रही है, न गर्मी न सर्दी, सब कुछ छोड़कर तकरीबन 1.5 महीने से डटी हुई है। 500 रुपये का लालची इतना साबित कदम नहीं रह सकता है। आज जो ये चैनल बनी है कौमी एकता को लेकर, आज हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठा हुए हैं, ये लड़ाई कब तक आपकी जारी रहेगी और इसको आगे मतलब कहाँ तक आप पहुँचाओगे? देखो, ये बात तो मैंने पहले भी कह दी कि जालिम जब जुल्म में पीछे हट के लिए तैयार नहीं है, तो इंसाफ मांगने वाले इंसाफ के अंदर क्यों पीछे हट करें? ये हमारे लिए खुशी की बात है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सारी कौमें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जुड़े हुए हैं, बल्कि हर वो आदमी जुड़ा हुआ है जिसको देश का दर्द है, जिसको लोकशाही से मोहब्बत है, जिसको संविधान से मोहब्बत है। इसलिए तमाम के साथ हमारे साथ ये लड़ाई में जुड़े हुए हैं और इंशाल्लाह जब तक ये पीछे हट नहीं करते, कानून वापस नहीं लेते, ये लड़ाई जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, मैं हूं एजाज खान। आप लोग आप तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। एक नंबर, ऑल द बेस्ट।